एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हमेशा ही अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ चर्चा में बनी रहती हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। अक्सर रानी मुखर्जी अपने इंटरव्यूज़ में खुलकर बातचीत करती हुई देखी जाती हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। रानी ने अक्सर अपने इंटरव्यू में खुलकर बातचीत की है अपने पति फेमस डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के साथ रिश्ते को लेकर, तो वहीं अपनी प्यारी सी नन्ही सी बेटी 5 साल की अधीरा को लेकर भी। आज के समय में रानी मुखर्जी बेहद खुशहाल और आलिशान जिंदगी बिता रही हैं। पति आदित्य चोपड़ा और अपनी प्यारी सी बेटी अधीरा के साथ साल 2014 में आदित्य और रानी शादी के बंधन में बंधे थे। वहीं देखा जाए तो कुछ साल पहले ही रानी मुखर्जी ने अपने पति आदित्य चोपड़ा के साथ रिश्ते को लेकर एक ऐसा खुलासा किया जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाने वाले हैं। रानी ने अपने इंटरव्यू में बताया था अपने पति आदित्य के साथ झगड़ों को लेकर, और साथ ही साथ बताया कि वह किस तरह से आदित्य को क्या कुछ कह देती हैं। जी हाँ दोस्तों, रानी ने अपने इंटरव्यू में एक ऐसा राज खोला था जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाने वाले हैं। रानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने पति को रोज गालियाँ देती हैं और झगड़ा भी करती हैं। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल 2018 में एक्ट्रेस नेहा धूपिया के चैट शो में रानी मुखर्जी ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ खुलासे किए थे। नेहा धूपिया ने रानी मुखर्जी से पूछा कि क्या वह कभी गुस्सा होती हैं या फिर गालियां देती हैं, और उस सवाल पर रानी मुखर्जी ने जवाब दिया कि मैं हर दिन अपने पति पर गुस्सा करती हूँ और उन्हें गालियाँ देती हूँ। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ रानी हंसती हुई नजर आती हैं। रानी कहती हैं कि आदित्य काफ़ी केयरिंग है और स्वीट पर्सन है, कभी कभी प्यार में उनके लिए गालियां निकल जाती हैं। वैसे अगर मैं किसी को गालियां दे रही हूं तो मतलब उसे काफ़ी प्यार करती हूं। मेरे परिवार में जब हम गुस्सा होते हैं हम प्यार से एक दूसरे पर नाराज़गी जाहिर करते हैं। इतना ही नहीं, रानी मुखर्जी ने अपने पति आदित्य चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर भी कहा। आदित्य चोपड़ा जो कि इंडस्ट्री के एक फेमस डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, और आदित्य चोपड़ा के बिना फिल्म इंडस्ट्री अधूरी भी मानी जाती है। और इस तरह से रानी ने अपने इंटरव्यू में अपने पति को लेकर ये बड़ा खुलासा किया। फिलहाल देखा जाए तो आदित्य और रानी एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो रानी मुखर्जी जल्द ही आप सभी को नजर आएंगी फिल्म बंटी और बबली के सीक्वल में। जी हाँ, बंटी और बबली 2 में नजर आएंगी रानी मुखर्जी, और रानी मुखर्जी के अलावा इस फिल्म में नजर आएंगे आप सभी को रानी के अपोजिट बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान। इसके अलावा जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि हाल ही में रानी ने अपना 43वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, और जन्मदिन के एक खास मौके पर ऐलान किया है अपनी न्यू अपकमिंग मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे का। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।